चलाते रहो फेसबुक, चलाते रहो व्हाट्सएप, खुश होते रहो टेम्पररीली। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा कीमती है, उसकी प्लीज वैल्यू करना सीखो। अरे क्यों उस टाइम का वेट करते हो, क्यों अपने आप को कम समझते हो, शुरुआत तो करो। अरे जिसने अपनों को छूटते देखा है वो दूसरों का क्या बुरा करेगा। लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, फिर जैसे तैसे मैं ग्रो किया, ग्रो करते करते मैंने अपना जेई क्रैक करा। अभी NIT-Tiruchirappalli में हूँ, मुझे दो टाइप के लोग मिले, एक मेरे जैसे, और मेरे जैसे बहुत कम होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, जो हर चीज़ करते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, लड़की के पीछे भी पढ़ते हैं, लव अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, सब कुछ करने के बाद मैनेज करके अच्छे कॉलेज में पहुँचते हैं। और एक होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं करा होता है, कभी किसी को किस भी नहीं करा होता है, कभी कोई नशा नहीं करा होता है, एकदम प्योर होता है, सिर्फ पढ़ाई करके यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो अब आपको चूज करना है कि आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट बन सकते हो। अगर आप मेरे कैटेगरी में पहुंच चुके हो तो मेरे जैसे बनो, फाइट बैक करो, और अगर आप उस कैटेगरी में हो पढ़ने वाले तो भूल कर भी जब तक आपका जेई क्रैक नहीं हो रहा, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, इस ट्रैक में मत आना। मुझ में हिम्मत थी, रब्बानी में हिम्मत थी कि वो उठ पाया, मैं उठ पाया, सब में हिम्मत नहीं थी। लाइफ में गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरते रहो जितना गिरना है, लेकिन गिरने के बाद ना उठने में प्रॉब्लम है। बिना किसी प्रॉब्लम्स के जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है। मजा तो तब आएगा जब आप हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागोगे। जो टाइम है अभी से लेकर जो दिवाली तक का टाइम है, जो नवंबर तक का टाइम है, दैट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल आप सबके लिए। साथ रहो मेरे, कॉन्फिडेंट रहो, निकालो, छोड़ दो जी। जी का इतना पैशन था मेरे को, इतना गंदा वाला पैशन था, उसके अगले दिन मैं गया पढ़ाने के लिए। घर में झूठ बोला, घर में बोला कि मुझे एग्जाम देने जाना है, ट्यूशन सेंटर में एग्जाम है, सामने बोर्ड एग्जाम है ना, बट मैं क्या पढ़ाना उसके अगले दिन भी। मुझे आज भी याद है, मैं गंजा हो रखा था और बस में बैठा था, तो बगल वाले इंसान ने मुझसे पूछा, मैं थोड़ा सा सेंटी सा बैठा था बस में, तो बगल में जो भी इंसान बैठा था, अननोन आदमी था, उसने मेरे को पूछा कि तुमने ऐसे बाल क्यों कटा रखे, इतने दुखी क्यों। तो मैंने उसको बताया कि एक्चुअली मेरे फादर का डेथ हो गया, मुझे आज भी वो चीज़ याद है, उस सीन याद है। मैं गया एंड बोथ द स्टूडेंट्स वर एक्चुअली इन अ शॉकिंग मूड कि सर आज भी आ गए पढ़ाने के लिए, इतना अच्छा पैशन है उनका।